कुछ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स देख लेते हैं. किरण, कल जिन शेयर्स में अच्छा मूव था, स्पेशली जिन्होंने अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दी और टूवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग स्ट्रेंथ दी, उसमें दो तीन शेयर्स, एक तो टाटा ग्लोबल, कल इनफैक्ट कॉफी स्टॉक्स परफॉर्म कर भी रहे थे. सीसीएल प्रोडक्ट में अच्छा मूव था, टाटा कॉफी में, टाटा ग्लोबल, टाटा कॉफी दोनों शेयर्स चल रहे थे. बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बर्मा, यहाँ पर काफी अच्छी वाइब्रेंसी दिखी थी. इन चार पांच स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपको ठीक लग रहा है क्या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा पसंदीदा स्टॉक आज की ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा टाटा ग्लोबल. बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद निकला है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स और डिलीवरी मार्किंग भी बहुत अच्छी हुई है. इसका ये मतलब हुआ कि करीबन मेरा टारगेट 163 165 का रहेगा, जो कि सोमवार मंगलवार तक आ जाना चाहिए. इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो एकदम लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. कंसोलिडेशन करीबन 3 साढ़े 3 साल का कंसोलिडेशन है, यानी कंप्लीट फंडामेंटल्स चेंज होते नजर आ रहे हैं चार्ट के ऊपर. तो मेरा ध्यान रहेगा करीबन 155 156 पे, इसके ऊपर आज का क्लोजिंग रहेगा तो वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कहलाएगा. तो शॉर्ट टर्म के लिए सोमवार मंगलवार तक का टारगेट मैंने जैसे कहा 165 का रहेगा, और इसके ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो एक लॉन्ग टर्म डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी करनी चाहिए स्टॉक में.